वेलकम टू your aquarium channel. चैनल वंस अगेन आई एम बैक new फिश फूड वीडियो एज recommended एंड रिक्वेस्टेड by many viewers. आप सभी के कमेंट्स को देख के आज फिर एक बार मैं आपके लिए एक नया फिश फूड का वीडियो लेकर आया हूँ आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में तो आज का वीडियो है ऑस्कर के फिश फूड के बारे में जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था तो ऑस्कर्स को कौन सा फ़िश फूड लगता है ऑस्कर्स क्या खाते हैं ऑस्कर्स को कितना टाइम खाना देना चाहिए ऑस्कर्स को कितने पैलेट्स या कितने अमाउंट में फ़ूड देना चाहिए ऑस्कर्स का फेवरेट फूड क्या होता है छोटे ऑस्कर्स को कितना फूड लगता है बड़े ऑस्कर्स को कितना फ़ूड देना चाहिए इन सारे आपके सवालों का मैं आज के इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ तो बहुत ही मज़ेदार और कमाल का वीडियो होने वाला है तो बने रहिए पूरे वीडियो में ऑस्कर्स के फिश फूड के बारे में तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी काफ़ी सारे ऑस्कर्स थे जैसे कि कॉपर ऑस्कर टाइगर ऑस्कर अल्बिनो ऑस्कर फायर ऑस्कर और आप में से बहुत से लोगों ने मेरा फिस्ट टैंक रूम तो देखा होगा जिससे आपको सभी को तो पता रहेगा कि मेरे पास काफ़ी सारे ऑस्कर्स थे तो मैंने वो ऑस्कर्स काफ़ी छोटे साइज से लाए थे और वो काफ़ी बड़े साइज के हो गए थे एडल्ट साइज़ के हो गए थे पर मैंने मेरे सारे ऑस्कर्स मेरे बड़े भाई को दे दिए उनको काफ़ी टाइम से बड़े ऑस्कर्स चाहिए थे और मेरे टैंक में भी मेरे पास ऑस्कर्स के साथ पैर और सेवरम्स थे तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि वो मेरे भाई को दे दूं तो अभी मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो ऑस्कर्स का मेरा टैंक का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं और साथ ही मेरे भाई ने जहां पे उन ऑस्कर्स को रखा है जिस टैंक में वो क्लिप आपको दिखा देता हूं ताकि आपको उन दोनों ऑस्कर्स की साइज का पता चले फिर उस वीडियो के बाद हम बात करेंगे ऑस्कर्स के फिश फूड के बारे में आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो जैसे कि आपने देखा दोनों क्लिप्स में ऑस्कर्स आपने मेरे ऑस्कर्स देख लिए तो ऑस्कर्स के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि ऑस्कर्स काफ़ी कमाल की फ़िशेस होती है ऑस्कर्स को रखना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा और इनफैक्ट ऑस्कर्स को जो भी हॉबीज़ रखेगा उसको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि जब भी वो फीडिंग करने जाएगा तो ऑस्कर टैंक के ऊपर के पार्ट में आके उसका वेट करेगी क्योंकि ऑस्कर्स को खाना बहुत पसंद होता है और ऑस्कर्स को फिश फूड काफ़ी पसंद होता है ये समझाने के लिए मैं आपको और एक क्लिप दिखाना चाहूँगा जिससे आप और बेटर वे में समझ जाएंगे तो आपने देखा जैसे ही मैंने मेरा हाथ ऊपर किया तो सारे ऑस्कर्स इकट्ठा होकर मेरे हाथ का इशारा देख कर सारे टैंक के ऊपर के साइड पर आ गए और यही बिहेवियर मुझे ऑस्कर्स का काफ़ी पसंद है कि जब भी हम टैंक के नज़दीक आते हैं जिसमें ऑस्कर्स है या हमारा या हाथ भी ऊपर करते थे तो ऑस्कर्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं सारे टैंक के ऊपर के पार्ट में आ जाते हैं ये सेम बिहेवियर डॉग्स का होता है अगर आपके घर में डॉग्स रहेंगे तो ये भी आप उनका खाने का प्लेट लेकर आएंगे तो डॉग्स भी जो है उनका बिहेवियर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है तो वही सेम बिहेवियर ऑस्कर्स में होता ही है ये जब भी आप फ़िश फूड डालोगे या फ़िश फूड भी नहीं डाल रहे हो पर इनफैक्ट अगर आप हाथ भी ऊपर लेके जा रहे हो तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं अपना उनको लगता है कि हमें खाना मिलने वाला है और ऑस्कर्स की और एक पॉजिटिव बात है कि ये बहुत जल्दी न्यू टैंक में सेट हो जाती है आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके मेल करके बोला था कि आपने न्यू शार्क आप लेकर आए हो आपके टैंक में और वो खाना नहीं खा रही है हफ्ते से बहुत दिनों से आप बोले थे कि आपने नई अरवाना लेकर आया हो जो खाना नहीं खा रही है वो इसलिए मैंने आप सभी को जवाब दिया था उसका और वीडियो में भी देना चाहता हूँ कि वो इसलिए होता है क्योंकि जब तक कोई भी फिश आपके टैंक में सेट नहीं हो जाती कम्फर्टेबल नहीं हो जाती वो खाना नहीं खाएगी इसलिए आपको आपके टैंक का पानी उसका जो पैरामीटर्स होता है पीएच उसका टेम्परेचर वो सब सही रखना होता है पानी पुराना रखना होता है और क्लोरीन फ्री रखना होता है तो इससे क्या है फिश जल्दी सेट हो जाती है टैंक में तो एज़ कम्पेयर टू तो अदर फिशेस ऑन द अदर हैंड ऑस्कर्स जो है जल्दी कंफर्टेबल होती है जल्दी सेट होती है इसलिए जल्दी खाना खाना शुरू कर देती है तो जो भी हॉबस्ट ऑस्कर्स रखते हैं तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप आपकी ऑस्कर्स को अच्छा फ़ूड खिलाएँ वैरायटी के फ़ूड खिलाए दो तीन प्रकार के फ़ूड खिलाएँ अब बात करते हैं हेलोपेट्स के ऑस्कर फिश फूड के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ ऑस्कर्स के लिए बनाएं ये नेचुरल फिश फूड है इसका मतलब इस फूड में कलर या हार्मोन्स नहीं है ये फूड से ऑस्कर्स की जल्दी ग्रोथ होगी और साथ ही ऑस्कर्स के कलर रिटेन करने में भी हेल्प करेगा ये फूड आप सारी ऑस्कर्स को दे सकते हो जैसे टाइगर ऑस्कर्स कॉपर ऑस्कर फायर रेड ऑस्कर अलबीनो ऑस्कर्स ये सारे ऑस्कर्स को आप ये फूड दे सकते हो बहुत से जो लोग हैं अपनी ऑस्कर्स को कॉमन फिशेस का फूड खिलाते हैं जो गलत बात है आपको आपकी ऑस्कर्स को स्पेशल ऑस्कर फ़िश फूड खिलाना है और ऐसे फूड ऐसे स्पेशल फ़िश फूड देने से आपकी ऑस्कर जो है एट्रैक्टिव हेल्दी और एक्टिव रहेगी अगर आप स्पेशल ऑस्कर फ़िश फूड दें तो आपकी ऑस्कर जो है अच्छी रहेगी हेल्दी रहेगी इतना ही नहीं आपको आपके ऑस्कर्स को पैलेट्स के साथ ट्यूबिफेक्स वर्म्स श्रिम्प और ब्लड वर्म्स भी देने चाहिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऑस्कर्स को खाना बहुत पसंद होता है इसलिए अगर आप उन्हें अलग अलग फूड देंगे तो उससे आपके टैंक में आपकी ऑस्कर्स जो है खुश रहेंगी और पैलेट्स के साथ आप ट्यूबिफेक्स वर्म्स श्रिम्प और ब्लड वर्म्स दें अलग अलग दिनों पर दें जिससे आपकी ऑस्कर्स जो है टैंक में एक्टिव रहेगी और अच्छी रहेगी हेलोपैच ब्रांड का ऑस्कर फिश फूड जो है तीन साइजेस में आता है पचास ग्राम सौ ग्राम और चार सौ ग्राम ये अवेलेबल है तीन साइजेस में 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स और 400 ग्राम्स ये मेरे पास जो है ये 100 ग्राम्स का है और ये टू फिफ्टी में आपको मिलेगा और इस फूड में आपको 42 परसेंट प्रोटीन मिलेगा आपके ऑस्कर्स के लिए अब हम देखेंगे हेलोपेट्स के ऑस्कर फिश फूड के पैलेट्स जो इस तरह दिखते हैं और स्पेशल फ़िश फूड में जो है एक सेंस ऑफ स्मेल होता है जो फ़िश जो है जिससे आकर्षित होकर ये फ़िश फूड जो है खाने लग जाती है तो जो बहुत लोगों का सवाल था कि ऑस्कर को कौन सा फ़िश फूड देना चाहिए तो आपको आपके ऑस्कर्स को सिर्फ स्पेशल फ़िश फूड देना चाहिए उसके बाद ऑस्कर्स को कितने टाइम खाना देना चाहिए तो आपको आपके ऑस्कर्स को दो टाइम खाना देना चाहिए सुबह और शाम और ऑस्कर्स को बहुत लोगों ने बोला कि कितने पैलेट्स देने चाहिए कितने अमाउंट में फ़ूड देना चाहिए तो ये आपको खुद पता लगाना है कि आपके पास स्मॉल साइज ऑस्कर है बड़ी साइज़ ऑस्कर है मीडियम साइज ऑस्कर है टैंक में कितनी ऑस्कर है सिर्फ एक जोड़ी ऑस्कर है या बहुत सारे ऑस्कर्स हैं और एक ऑस्कर कितना खाना खाती है तो आपको ये एश्योर करना है कि आपको हर एक फिश को हर एक ऑस्कर को है जो सही तरीके से इक्वली सब डिस्ट्रीब्यूट करके आपको पैलेट्स फीड करने चाहिए तो पैलेट्स के साथ आपके ऑस्कर्स को ब्लड वर्म्स ट्यूबिफिक्स वर्म्स और श्रिम दे सकते हो आप डेज फिक्स कर सकते हो जैसे अगर आपने ट्यूसडे को ब्लड वर्म्स दे दिए तो आप थर्सडे को ट्यूबिफिक्स वम्प दे सकते हो उसके बाद में संडे को आप श्रिम दे सकते हो तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो एक टाइम टेबल जो मैं फॉलो करता हूँ मेरे फिशेस को ऐसे डेज फिक्स करके देता हूँ पैलेट्स के साथ ये सारे फिश फूड देता हूँ जिससे फिशेस जो है हेल्दी रहती है और अच्छी रहती है तो आप पैलेट्स के साथ ऑस्कर्स को जो है श्रिम्प दे सकते हो ट्यूबिफेक्स वर्म दे सकते हो ब्लड वर्म दे सकते हो अगर आपको आपके पास अगर ब्लैक वर्म्स अवेलेबल हो तो वो भी आप दे सकते हो जो ड्राइड में भी अवेलेबल होते हैं तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल आपके ऑस्कर्स के फिश फूड के लिए जिससे आपकी ऑस्कर्स काफ़ी हेल्दी रहेगी पैलेट्स के साथ वर्म्स ट्यूबिफिक्स वर्म्स और श्रम्प तो ये था आज का वीडियो ऑस्कर के फ़िश फूड के बारे में जो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए आपके अपने एक्वर मनपैड चैनल एस जी इंसेप्शन पर हम मिलेंगे दोबारा ऐसे ही एक नए कमाल के वीडियो के साथ आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे और अगर आपको पिछले फ़िश फूड के वीडियोज़ देखने तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक्स लेके आप वीडियो देख सकते हो या आप चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में फिश फूड की प्लेलिस्ट देख सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग